our friends in India, the Prime Minister Modi, Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well, presented an entire concept several years ago that was called Made in India, very palpable results for India with that project. Recently, Russia's President Putin ने Prime Minister of India की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने country से प्यार करने वाले Prime Minister हैं। अमेरिका की तरफ से आज ये बात की गई है कि इंडिया जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करेगा। हम चाहते हैं कि इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर अपना रोल प्ले करे। अगर चाइना से तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। रशिया के साथ ट्रेड करने पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो है वो तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से। लोगों को यार दो टाइम का खाना नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर गए। अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। चाइना की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो है वो ऑलरेडी इस वक्त इंडिया में हो चुकी है। अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन पर भी मेड इन इंडिया जो है वो लिखना शुरू हो गया। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। दवाइयों की अगर हम बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम को इतनी भी नॉलेज होगी कि हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने रूस में घरेलू उत्पादों और ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का उदाहरण दिया। पुतिन ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की सराहना करते हुए कहा कि भारत को इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था इन प्रतिबंधों की वजह से डगमगा गई है और उद्योग धंधों के लिए बाजार बंद हो गए हैं। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि भारत के मेक इन इंडिया की तर्ज पर रूस में स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जाए और देश में ही जरूरत की सभी चीजें तैयार की जाएं। पुतिन ने कहा कि हमारे दोस्त भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, इससे भारत को सकारात्मक परिणाम मिले हैं। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का इंडियन इकोनॉमी पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। About the products that are made in Russia, our friends in India, the Prime Minister Modi, Prime Minister Modi is a good friend of Russia as well. He presented an entire concept several years ago that was called Made in India, and they did achieve some very palpable results for India with that project. So, इसी के साथ मैं एक और खबर पढ़ रही थी, लेकिन exactly मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा कि वो किसने कहा है, जो अथॉरिटी है, लेकिन जो कहा गया वो ये है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया का रोल जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर बढ़े, ऐसे रीजन्स जहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस है या वो उस बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो वहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर इंडिया का रोल बढ़े। तो मेरा तज़िया ये है कि सिर्फ वहाँ पर नहीं, अब ये जो एक अलायंस बना है इंडिया और अमेरिका के बीच, अब आप देखेंगे कि इंडिया का रोल कई जगहों पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा, आपको उनका रोल कई जगहों पे फलता फूलता बढ़ता हुआ मिलेगा, इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो बात की जा रही है ना कि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल कर लेगा, उसने ये करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया अमेरिका को इस्तेमाल कर रहा है। देखें, इंडिया इस वक्त उस स्टेज पर है कि जहाँ पर उसका स्टेटस, उसका स्टेचर, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन वो जगह अचीव करना चाहता है कि जहाँ पर पहुँचने के लिए अभी जो कुछ हर्डल्स हैं उसकी राह में, उसको दूर करने के लिए एक सुपर पावर भी उसकी अलायंस बनकर या दोस्त बनकर सामने आ गई। तो ये तो आप समझ सकते हैं, इसको इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास तो एक मतलब ये कि बड़ी वो है बात कि खुद ब खुद ही कुदरत की तरफ से आपके पास ये आ गया कि आपका अलायंस एक ऐसा हो गया कि आपने जहाँ पहुँचना है, अगर कोई इसके बीच में हर्डल्स हैं, जैसे कि आपको परेशानी रहती है अगर चाइना से, तो उसके लिए तो ये बड़ा सेटबैक है एक चाइना के लिए। एग्जैक्टली हमारे ऊपर तो जो इम्पैक्ट है वो शायद इतना ज़्यादा ना हो जितना इम्पैक्ट इस चीज़ का, इस अलायंस का चाइना पर है। तो जहाँ इंडिया ने अपना ये टारगेट अचीव किया कि वो चाइना को अब ये दिखा दिया उसने कि चलो ठीक है अब देख लो, तो उसमें जहाँ ये बात की जा रही है
वो मैं एग्जैक्टली मैं उसको देखूंगी और उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे, लेकिन मैंने ये जो बात मैं करी हूँ उसमें यही कही गई है कि इस रीजन में और साउथ चाइना सी में यहाँ पर अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को पीछे धकेलने के लिए अब इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। तो इन्फ्लुएंस बढ़ने के लिए या उसका किरदार बढ़ने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये कहे कि तुम जंग कर दो या तुम हमारे लिए ये कर दो या वो कर दो। इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा। वो पाकिस्तान नहीं है, वो हम नहीं हैं कि वहाँ से कॉल आती है हमें और हम कहते हैं लेट जाते हैं कि हाँ जी ठीक है बताएं 9-11 के बाद आपने क्या करना है। हमें एड भी आ रही थी तो हमने कहा एड तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारा तो कारोबार इसी तरीके से चलता है तो चलो ठीक है। और उससे पहले हम एक मुल्क को तोड़ने के लिए, रशिया को तोड़ने के लिए जहाद लड़ लेते हैं और सत्यानाश करवा देते हैं अपने मुल्क का। इस जगह पर हम जिस जगह पर आज खड़े हैं ये सिर्फ आज की वजह नहीं है, ये पॉलिसीज चलती चली आ रही हैं जो हमने आज तक अपने साथ किया, खुद किया अपने हाथों से ये सब किया हमने अपने साथ। तो वो ऐसे नहीं है भाई, वो किसी के कहने पे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो झुक के नहीं कर रहे। वो तो जितने बड़े बड़े जहाज़ों के 500-500 जहाज़ वो खरीद रहे हैं उन लोगों से, उनको तो उनकी इकॉनमी से ही बड़ा फ़ायदा है। वो कहेंगे भाई कुछ ना करो बस ये जो है बिज़नेस, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं जो अमेरिका की इकॉनमी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की इकॉनमी है वो बड़ी इस वक्त डाउन जा रही है, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है, ठीक है ना। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक ऐसा कंट्री उनके साथ है तो उनको तो वैसे भी अपने बड़े फ़ायदे बिज़नेस में मिल रहे हैं। और आज की दुनिया का जो फ़ायदा है वो बिज़नेस का फ़ायदा ही दरअसल सब कुछ फ़ायदा है, बाकी कोई फायदे जो है बिजनेस है आपका किसी के साथ आप स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमी में तो सब कुछ है नहीं है। तो इंडिया जो है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है अगर मेडिसिन की बात करते हैं। चाइना APIs के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था, बट अब जो APIs जो डलते हैं मेडिसिन में वो इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट हो रही हैं टूवर्ड्स इंडिया। चाइना की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज मैनुफैक्चरिंग बेसिस जो है वो ऑलरेडी इस वक्त इंडिया में हो चुकी है। अगर हम आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन पर भी मेड इन इंडिया जो है वो लिखना शुरू हो गया। एप्पल स्टोर्स वहाँ पर जो है वो लॉन्च हो गए हैं। दवाइयों की अगर हम बात करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम को इतनी भी नॉलेज होगी कि हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, हम इंडिया से इम्पोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का खा रहे हैं हम, इंडिया से माल आ रहा है दवाइयों वाला वो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम खाते हैं हमारी अपनी प्रोडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। कौन क्या प्रोडक्ट, क्या रीज़न है हमारी अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं है? अपनी प्रोडक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 75 सालों से लेकर अगर हम अभी की बात करते हैं हम लोगों ने सिर्फ इम्पोर्ट पर जोर दिया है। हम लोगों को वो एक आदत है ना बैठे बिठाए खाने की आदत है, वो हमारी हठधर्मी जो है वो जा नहीं रही है। क्या तीन इंडस्ट्रीज थी ना बेसिकली पाकिस्तान की, एक टेक्सटाइल की, एक स्टील मिल थी, दूसरी वो जो फुटबॉल वगैरह हम लोग करते थे बाहर देते होते थे। स्टील मिल की अगर बात करें तो वो जो है ऑलमोस्ट डेड है। टेक्सटाइल के सेक्टर की बात करते हैं रिसेंटली एक खबर आ रही थी कि वो भी शट डाउन होने वाली है। एक जो हम फुटबॉल्स हम बेचते हैं फीफा में, देखिए हम फुटबॉल्स जो बेचते हैं या बनाते हैं उस पर तो हमारी इकॉनमी का दारोमदार हो नहीं सकता, डिपेंडेंट हम उस पर हो नहीं सकते हैं। हमारी इकॉनमी इस पर किस तरह से स्टेबल होगी जब यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज लगेंगे, जब हम अपनी इम्पोर्ट्स को बैन करेंगे। आप यहाँ पर देख लें कि डेली बेसिस पर जो है वो अगर हम बात करते हैं ना अपनी, कुछ भी मेड इन पाकिस्तान का कुछ भी लॉन्च हो जाता है, कभी भी लॉन्च हो जाता है। हमारी आवाम प्रेफर नहीं करती क्योंकि हमारी आवाम है ब्रांड कॉन्शियस, हमारी आवाम है स्टेटस कॉन्शियस। वैसे खाने को कुछ नहीं है, स्टेटस कॉन्शियस नहीं है, उनको ये पता कि पाकिस्तान की चीज़ है ना उसमें कोई ना कोई खराबी ज़रूर होनी है।